अजीज नन्हे नन्हे तलबा, आज हम आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। एक जानवर बना हुआ है, इसका नाम है अपोसिम। अपोसिम के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे और बड़ी मज़ेदार इसके बारे में बातें बताएंगे। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमें बताइएगा अपने फीडबैक देकर कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये जो जानवर है इसका नाम है अपोसिम। अपोसिम एक फैलीदार ममालिया है। ये बरे आज़म शुमाली और जनूबी अमरीका में पाया जाता है। इनकी 100 से ज़्यादा इकसाम हैं। इसके पेट पर एक थैली इसे कैंगरू और पोला बेयर जैसे जानवरों के ख़ानदान से शामिल कराती है। अपोसिम का जिस्म लंबा और पतला होता है, मुंह लोमड़ी की तरह नोकदार, खाल घनी और बालदार होती है। सुरमई, सफ़ेद और सुर्ख रंगों में पाया जाता है। आँखें स्याह, नाक गुलाबी और कान चूहे जैसे होते हैं। ये घरों में पाए जाने वाली बिल्ली की जसामत जैसा होता है। इसकी दुम चूहे जैसी लचकदार होती है, मजबूत होती है और इसके मुंह में 50 के करीब इंतहाई तेज दांत पाए जाते हैं। ये अपनी रिहाइश दरख्तों पर रखता है, बंदरों की तरह शाख पर लटक जाता है। खाना खाने में बड़ा माहिर है। दरख्तों की नमी चाट चाट कर पानी की कमी को पूरा करता है। बहुत सख्त जानवर है, दिन भर भूखा रह सकता है। अपोसिम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रह सकता है। ये बहुत अच्छा तैराक भी है, यानी बहुत अच्छी स्विमिंग करना जानता है। इसकी खाल पर सांप का जहर असर नहीं करता। ये अपना रास्ता हमेशा याद रखता है। ये अपनी खाल साफ करता रहता है, रात भर खाता रहता है। मादा अपोसिम घने पत्तों के दरमियान घोंसला बनाती है और एक वक्त में 8 से 12 तक बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे 4 माह तक माँ के पेट पर मौजूद थैली में परवरिश पाते हैं। शुरू में ये बच्चे कीड़े मकोड़े खाते हैं और बाद में इस काबिल हो जाते हैं कि परिंदे और सांप पकड़कर खा सकें। 50 साल पहले इसका अमेरिका में शिकार किया जाता था और इसे खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, मगर आजकल अक्सर इकसाम नापैद होने के खतरे की वजह से इसकी खुराक के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया गया है और इसके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। थैंक यू।